आज भारत देश के अंदर जो नई संसद का विकास हुआ है मोदी जी द्वारा उनके नेतृत्व में, उसी संसद के अंदर राजस्थान की धरा से एक काला पत्थर जो कि वहां पर लगाया गया है, उसमें पिरोया गया है, संजोया गया है, कह सकते हैं वो पत्थर ज्यादा दूर नहीं, जयपुर के ही कोटपुतली के बैसलाना गांव का पत्थर है, जहां पर उनके माइंस के यहां पर ओनर हमारे साथ है अनिल जैन, जिनसे बात करेंगे। सर, आज कैसा लग रहा है आपको कि संसद के अंदर जो देश का सबसे बड़ा नया संसद बना है उसमें आज आपके काले पत्थर को पिरोया गया है, संजोया गया है? ऐसा लग रहा है कि कोई मन की इच्छा पूरी हो गई। ऐसे प्रतिष्ठित जगह पे अगर लगेगा खुशी होगी, बहुत खुशी होगी। वहाँ तो पैसे का भी कोई महत्व नहीं है, चीज अपनी लगी, अपने गांव की, अपने राजस्थान की चीज लगी, और देश का जो सर्वोच्च स्थान है संसद वहाँ लगेगी तो खुशी तो होगी, असीम खुशी होगी। आज आप गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं क्योंकि कोटपुतली क्षेत्र का एक आपकी माइंस का पत्थर संसद में लगना राजस्थान के लिए बहुत बड़ी बात होती है, क्योंकि राजस्थान का नाम बड़े देशों में, विदेशों में ये नाम जाएगा तो आपके पत्थर की कीमत और कहीं ना कहीं बढ़ती नजर आएगी। इसको लेकर आप क्या कहेंगे, व्यापार में आपके काले पत्थर जो पत्थर के व्यापारी है उनको लेकर कितना फर्क पड़ेगा? संसद में लगने का मतलब पहला तो हो गया कि हमको गौरव मिला कि एक इतनी बड़ी प्रतिष्ठित संस्था में लगा। दूसरा, प्रचार तो होगा ही इसका, जहाँ संसद में लगा है वहाँ दुनिया इसको एक, वहाँ तो सब मापदंड चेक करके ही लगाया होगा, तो इसका मतलब हमारा पत्थर मापदंड में खरा उतरा और खरा था। इसकी पहचान कम हो रही थी, उसकी पहचान संसद में लगने से, मोदी जी के निर्देशों से जो संसद भवन बना उसमें इसकी पहचान हुई, तो संभवत है और आवश्यक रूप से इसके दाम आम तो बढ़ेंगे ही, क्वालिटी का निखार होगा और दुनिया में पहचान बढ़ेगी, सबसे बड़ी बात ये है। अनिल जी, मैंने आपके कुछ लोगों द्वारा सुना था कि आपने एक ब्लैक पत्थर की जो मूर्ति है श्री गणेश जी महाराज की, वो मूर्ति आपने बड़े प्यार से संजो के रखी है, बनवाई है वो मोदी जी के लिए, उसके बारे में आप? मैंने इस पत्थर की मूर्ति एक बनवाई है गणेश भगवान की, और मेरी भावना है कि मैं यदा कदा मौका मिला, भाग्य ने मौका दिया, तो मोदी जी साहब को मैं मेरी तरफ से देना चाहता हूँ, भगवान गणेश को उपहार, उनको उपहार तो मैं क्या दूंगा, लेकिन उसमें इस पत्थर को निकालने में, वहाँ लगने में, देश विदेश में लगने में हमारे अलावा गांव वालों की असीम महती भूमिका है, और गांव वाले इसमें पूरे लगे हुए हैं, तन मन धन से लगे हुए हैं, और उनका बहुत सहयोग हमको मिलता है कि समय समय पे सरपंच हैं, गांव वाले, गांव के बुजुर्ग जो हैं बहुत कोऑपरेटिव हैं, और पूरा गांव इस बिजनेस से कमा भी रहा है और उनका सहयोग हमको भी मिल रहा है, और हम भी आपस में सहयोग करते हैं, और समय समय पे जैसे मैंने एक स्कीम बनाई है गांव के बुजुर्गों को, हम मेरी लेबर को मैं साल में जैसे कभी चार धाम की यात्रा करा दी, कभी कहाँ की करा दी, इस तरह से मैं ये इस तरह का भी काम जो हमारे साथ लगे हुए हैं उनके लिए मैं करता हूँ। हमारे साथ अनिल जैन, जो कि जयपुर के ही कोटपुतली क्षेत्र में जो काले पत्थर की खान है, माइंस है, वहाँ के ओनर हैं, उनके मालिक हैं ये, उनके द्वारा ही यहाँ पर इनके जो पत्थर है आज राजस्थान से, जयपुर के क्षेत्र से, कोटपुतली से निकलकर, एक छोटे से गाँव से निकलकर देश की संसद में पहुंचा है, उसको वहां संजोया गया है, तो कहीं न कहीं कोटपुतली क्षेत्र वासियों के लिए भी वहां पर बिल्कुल खुशी का माहौल है। और जिस तरीके से अनिल जैन ने बताया कि हमारे लिए गौरवान्वित महसूस हो रहा है क्योंकि वो जो पत्थर है एक छोटे से गांव से निकलकर, एक माइन से निकलकर किसी संसद में निकल लगता है, तो क्योंकि देश विदेश से लोग जब देखने आएंगे तो यहाँ कोटपुतली क्षेत्र का नाम बिल्कुल होगा और इनके माइंस का और काम बढ़ेगा और आगे व्यापारियों का काम, आगे उनके भविष्य की आगे श्रृंखला बढ़ती जाएगी। तो मैं यही कहूंगा कि लगातार देखते रहें जयपुर महानगर टाइम्स, सुभाष बैरवा के साथ